कि देवा भी तम नमम सन्ति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं, उसको सहाय करते हैं, उसको सहयोग करते हैं। मन की पवित्रता, जीवन में सत्व की साधना और नैतिकता, ये जीवन में अगर आती है तो कोई भी देव हाजिर होते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन जीवन में बस यही भावना बनी रहे कि शिव मस्तु सर्व जगत, केवल मेरा नहीं सारे जगत का कल्याण, और अंत में जाकर ये देवी देवता जो होते हैं अपने को इस रूप में सहाय करते हैं कि मानव की शक्ति के आगे उनकी शक्ति कुछ बढ़कर के होती है, और हमें आखिर लक्ष्य तो मोक्ष का ही है, वहां पर जाना है। लेकिन वहां पर जाने के अलग अलग जो रास्ते हैं, उन रास्ते में हमें कोई प्रकार का विघ्न न आए, इसके लिए हम देवी देवता की साधना करते हैं। इन साधना के द्वारा हमें पहुंचना उसी सिद्धि के सोपान पर, और वो सिद्धि के सोपान पर पहुंचने के लिए भविष्य में जाकर यहाँ पर इतने भक्त लोग साधना करने के लिए आते हैं, और वो ये देवी देवता के साथ अपने संसारिक जो क्षणिक सुख है उनको तो प्राप्त करते हैं, साथ ही सुख तो ऐसा चाहिए जो आने के बाद कभी जाए नहीं, जिसकी कोई ईर्ष्या नहीं करे, जिसकी कोई लूट न लगे, ऐसे मोक्ष के सुख को दिलाने वाले मात्र और मात्र तीर्थंकर परमात्मा है। तो भविष्य में जाकर यहाँ पर एक परमात्मा के मंदिर का भी निर्माण हो। संजय भाई से यही कहती हूँ कि आने वाले जितने भी भक्त वर्ग है, ये पुण्य जो है ये पुण्यानुभवी पुण्य के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि ये पुण्य की पुण्य भी दो प्रकार का होता है। अगर वो पुण्य पापानुबंधी का होता है तो कोई शुभ कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, विदेश में जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, इधर उधर जाते हैं, ये पैसा उधर और पाप का बंद कराता है। तो इन साधना के द्वारा हम ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य का सर्जन करें, ऐसे परमात्मा के मंदिर का यह निर्माण हो कि आने वाला साधक उस लक्ष्य को भी प्राप्त करे। भविष्य में जाकर कभी भी आप ध्यान रखना, डोनेशन तो अपने करिए, भाग्यशाली 5,000 जमीन यहाँ पर इनको दी गई है, ये तो अब ये मंदिर तो साधना का तो बन चुका है, अब आगे कभी भी जाकर, आज नहीं तो कल कभी भी जाकर के आप ये लक्ष्य रखना कि एक यहाँ पर जिन मंदिर का भी निर्माण हो, और सभी अपने संकल्प साधना और सिद्धि में आगे बढ़े, यही मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको, और इनका पुण्य था, इनकी लागनी थी, तो सभी अनुकूलता हो गई और सब कोई आ गए यहाँ पर। आपने विनती स्वीकार करी, आप पधारे, कितनी इसको मतलब अनुकूल, इतनी मस्त भक्ति जमी हुई थी, और इसके अंदर भी बारिश हुई, फिर भी इन्होंने सब कुछ अच्छी तरह से सब सेटिंग कर दिया वापस, पता नहीं लगा कि कल क्या हुआ था। अब आपका आशीर्वाद, ये सब भावना की बदौलत है। चलिए अब प्रतीक्षा के बाद बड़ी शांति सुनने का विधान है। नमो इति ओम प्रियंता अक्षिण पुष्पागर पुष्पागर स्वाहा।
ओम कुतमित्रभातकलगसुरुचतुमिजिनबंधुसहिता नित्यम चामदुप्रभुकार्यस्वीसबुलायदनिवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकानाप्रभुसमयाजुरुकदुरुक्षदुरुमिजिनप्रश्नाचांदिवोगु ओम तुष्टिभिषिद्धिवंगलसदापयदुरुतानिपापानिशामितुरुतानिशत्रपरायमुकोमुतुस्वा श्रीमती शांतिनाथन शांतिराने शांति 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 संपादित शांति श्री संघ जगदर्शन व्याहरण शांति श्री शांति उद्घोषित शांति पाली शिवमास्तु सर जगता परतिनिता भवतु उद्गणा दोषा प्राय तुलाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोका अहम तीर्थैर्वाय शिवाय देवी तुम नयन निवासिनी अम्म शिव तुम शिव शिव सर्व शिव भवतु स्वाहा। खास करके हेमंत जी मक्सी वाले जिनको वर्ष तप की तपस्या चल रही है, इतने दूर से आकर अनुकूलता प्रतिकूलता में, कल को ब्यास था, परसों का उपवास था, आज भी उपवास है, एकदम बारिश आ गई, ब्यास था भी ढंग से हुआ न हुआ, पर खूब उल्लास से पूरे दिन सुबह से शाम तक उन्होंने और आज भी बने उल्लास उमंग एक साथ ये सब प्रतिष्ठा करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद है उन तपस्वी को भी। Hello, good evening.